और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर से है, जहां पर वकीलों का प्रदर्शन, बार एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रदर्शन। उदयपुर के वकीलों में नाराजगी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री से मिलने गया था प्रतिनिधिमंडल, तवज्जो नहीं दिए जाने का आरोप लगाया गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत भी साथ थे। नजरअंदाज करने पर अब वकील जो हैं आक्रोशित हैं। कोर्ट चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन करने का कार्यक्रम है। हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकील गए थे सीएम से मुलाकात करने। करीब 40 साल पुरानी है हाईकोर्ट बेंच की मांग। आदिवासी अंचल में हाईकोर्ट बेंच की जरूरत है, ये वकीलों का कहना है। और वकील जो हैं वो प्रदर्शन अब करने वाले हैं बार एसोसिएशन के बैनर तले। उनकी मांग है हाईकोर्ट के बेंच की, और वकीलों को ऐसा लगा कि उन्हें नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से वकील अब आक्रोशित हैं। कोर्ट चौराहे पर प्रदर्शन करने की उनकी तैयारी है। उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत भी थे, और जो प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने गया, उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें तवज्जो नहीं दिया गया है, तवज्जो नहीं देने का आरोप भी उन्होंने लगाया। और अब पूरी तरीके से वकील जो हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं, और बार एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन करने की तैयारी है। तो वकील जो हैं वो प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है, करीब लंबे वक्त से ये मांग हो रही है। कपिल हमारे सहयोगी उदयपुर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कपिल, ये क्या जानकारी है, वकीलों को तवज्जो नहीं दी गई, ऐसा आरोप लगा रहे हैं वकील? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर बार एसोसिएशन लगातार हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के माध्यम से ये मांग कर रहा है कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापित होनी चाहिए, जिससे उदयपुर के आदिवासी अंचल को के लोगों को न्याय पाने के लिए जोधपुर नहीं जाना पड़े। लेकिन इसकी ओर सरकारों का ध्यान नहीं है। हालांकि चुनाव इसी मुद्दे पर लड़े जाते हैं, लेकिन सरकार चुनाव जो जनप्रतिनिधि है वे चुनाव लड़ने के बाद इस मुद्दे को भूल जाते हैं, और एक बार फिर ये जो है वो लंबित चला जाता है। आप देखिए कि इस समय उदयपुर के जो बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता हैं वे कोर्ट परिसर के बाहर जमा होने शुरू हो चुके हैं। कोर्ट परिसर के बाहर जो अधिवक्ता हैं वे जमा हो रहे हैं। थोड़ी देर में वकीलों का कहना है कि वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। दूसरी ओर आप देखिए, एक और वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का भय देखिए आप। पुलिस और प्रशासन जो है उन्होंने कोर्ट चौराहे पर भारी जाप्ता तैनात कर दिया। कोर्ट चौराहे के आसपास करीब 500 मीटर तक पुलिस का जो जाप्ता है वो तैनात है। कोर्ट चौराहे से दूर, आधा किलोमीटर दूर तक बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, जिसमें वाहनों को रोक रोक कर अंदर भेजा जा रहा है। तो दूसरी ओर चौराहे पर आप देखिए काले बैनर लगाए गए हैं, ये विरोध का प्रतीक है, ये सरकार का विरोध किया जा रहा है। ये इस बैनर के माध्यम से भी ये मांग की जा रही है कि हाईकोर्ट बेंच की उदयपुर में स्थापना होनी चाहिए। ये बेहद जरूरत, उदयपुर की जरूरत है। और इस समय हम वकीलों से बात भी करेंगे। आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आज? आप हमने सरकार से मांग की है उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की। विगत 40 वर्षों जो मांग चल रही है, हमने श्रीमान माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री साहब से वार्ता की थी, लेकिन उन्होंने कोई सकारात्मक रूप नहीं था। इसलिए हम आज यहाँ उनको तथा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको हम ये इस आदिवासी बेल्ट की जो मांग है, इस मांग की जायज मांग को पूर्ति करने के लिए हम उनसे मांग करने के लिए आज बैठे हैं। आप कब मिले थे मुख्यमंत्री से? परसों हम मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, लेकिन उनका जो प्रेम जोधपुर के लिए था वो साफ दिख रहा था, और उनका जो एटीट्यूड था वो उदयपुर के प्रति नहीं था कि वो नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने एक बात जरूर की, जब मैं उनके साथ हूँ तो आप बार बार में क्यों मांगने आते हो? वो राजस्थान के लीडर है, उनको सबको समझना पड़ेगा। ये मांग हमारी नहीं है, ये एडवोकेट हम अपने लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ आम जनता के लिए, मेवाड़ वागड़ आदिवासियों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और उसी के विरोध के अंदर हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप जब मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, आपके साथ कौन कौन लोग थे, और मुख्यमंत्री की तरफ से किस तरह का रेस्पॉन्स मिला है? हमारे अध्यक्ष महोदय थे, गिरिजाशंकर जी थे, भूपेंद्र जी सिंह जी चुंडावत थे महासचिव महोदय, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, एमएलए, सांसद शांतिलाल जी चपलोत साहब, हमारे संभाग संघर्ष समिति के मेवाड़ के चेयरमैन रमेश जी नंदवाना, पामेजा साहब, और काफी लोग थे।
मुलाकात किस तरह से हुई आपकी सीएम से? मुलाकात जिस हिसाब से, एक तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के उद्देश्य से उन्होंने मुलाकात की कि हाँ हम आपको बुला रहे हैं, आपको बुला के, और सिर्फ मतलब कि जैसे आम जनता जो जिस तरह से जन सुनवाई की गई, बाकी ये जो गंभीर मुद्दा है, गंभीर मुद्दे में कम से कम उन्होंने सबको बुला के बैठ के शांति से वार्ता करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए क्यों मांग कर रहे हैं तथा किस प्रकार से इस मांग की पूर्ति की जाए, किस प्रकार की समस्या उदयपुर की जनता को आती है उस समस्या को पूर्ति करे। तो हमें बुला के बैठा के अच्छे से एक हमारी जो टीम थी उसको बुला के बात करते, हम उनको समझाते किस प्रकार से इस मांग को पूरी किया जा सके। और भी वकील हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए, सरकार जब आपके साथ नहीं है तो मांग कैसे पूरी होगी? सरकार हमारे साथ नहीं है तो हम सब अधिवक्ता उनको इस पटरी पे लाएंगे कि वो हमारी मांग पूरी करे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी सरकार मांग पूरी नहीं करती तो जन आंदोलन इतना बढ़ जाता है कि उनकी मांग पूरी करनी पड़ती है उनको किसी भी हालत में। तो उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पूरा आदिवासी बाहुल्य इलाका है और यहाँ की गरीब जनता को न्याय पाने के लिए जोधपुर तक जाना पड़ता है, कई चक्कर जोधपुर के लगाने पड़ते हैं और यहाँ की जो आदिवासी जनता है कई बार आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते, जोधपुर नहीं जा पाने के चलते न्याय से वंचित रह जाती है और यही वजह है कि पिछले 40 वर्षों से लगातार उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है। लेकिन आगे क्या करेगा? आज तो ठीक है प्रदर्शन कर रहे हैं, कहना था कि नहीं तो कपिल आगे क्या, क्योंकि 40 साल पुरानी मांग ये बताई जा रही है कि 40 सालों से ये मांग जो है बेंच की हो रही है, आज प्रदर्शन करेंगे। जो महिला वकील थी उनका ये कहना था जन आंदोलन, मतलब करने क्या वाले हैं वकील? वकील लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता का आंदोलन है। हम बिल्कुल देखिए, हम ये वकीलों से भी जानेंगे, लेकिन वकील लगातार पिछले 40 वर्षों से हर महीने की 7 तारीख को जो है वो आंदोलन करते हैं और करते हैं। आप बताइए किस तरह से आगे आंदोलन को ले जाया जाएगा क्योंकि 40 साल पुरानी मांग है। देखिए, आज इस आंदोलन को एक उग्र गति से, और सरकार आज पूरे भारत का आज ध्यान उदयपुर पर है, चूंकि कांग्रेस का शिविर यहां पर चल रहा है, कांग्रेस के आला कमान के सभी नेता आज उदयपुर में है। आज मुख्य, आज अगर किसी पर फोकस है तो हर मीडिया चैनल का उदयपुर में है। इसी कारण हमने इस आंदोलन के स्वरूप को देते हुए परसों मैं स्वयं भी मुख्यमंत्री जी से जो हमारे प्रतिनिधिमंडल गया था उनके साथ था, तो मुख्यमंत्री जी का जो रवैया था उन्होंने बिल्कुल मजाक में, हमने कहा कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना यहाँ के गरीब मेवाड़ वगैरह के लोगों को सस्ता सुलभ न्याय मिलने इसके लिए होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उधर मेवाड़ में, उधर आपके कोटा, उधर बीकानेर, इस तरीके से कि विरोध हो जाएगा सब तरफ। यानी फिर हम लोगों ने मांग की कि कम से कम एक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था हमारे यहाँ हो जाए, तो बोले अजमेर वाले नाराज हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ जोधपुर के नहीं है, सिर्फ कोटा, बीकानेर और अजमेर की उनको चिंता नहीं करनी चाहिए, मेवाड़ वागड़ गरीब बाहुल्य क्षेत्र है, मेवाड़ के लोग हैं, तो इनकी भी कोई ना कोई मांग रखनी चाहिए और हमारी बात को गंभीरता से लेना चाहिए था, नहीं लिया। इस कारण से आज हम सांकेतिक प्रदर्शन करके सरकार को ये चेतावनी देने वाले हैं कि आने वाले समय में हम और उग्र आंदोलन करेंगे, अगर हमारी इस मांग को नकारा गया तो सरकार को आने वाले गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। 16 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उन्हें आदिवासी अंचल बेणेश्वर ले जाने वाले हैं आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए। हाईकोर्ट बेंच सबसे जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो आदिवासी लोगों की है। हमारा प्रयास रहेगा कि मेवाड़ वागड़ की जो हमारी संघर्ष समिति है, जो संभाग की समिति है, हम ऐसा कोई प्रोग्राम बनाएं जिसमें वेणेश्वर तक भी हम आवाज पहुंचाएं और आदिवासी जनता को भी ये आवाज कराएं, जनता को साथ जोड़ें और वो मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात करें कि हमें सस्ता न्याय मिले, हमें यहां से कुचल करके आदमी को 300-400 किलोमीटर दूर जोधपुर तक जाना पड़ता है जो उनकी पहुंच में नहीं है, न तो उनके पास इतना धन है, न उनके पास इतने साधन है। इस कारण से हम चाहते हैं कि वहां पर भी हम संभाग की समिति के माध्यम से चर्चा करके आंदोलन की नई गति रूपरेखा तैयार करेंगे। देखिए, ये अभी सांकेतिक रूप से क्योंकि कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व इस समय उदयपुर में है, तो ऐसे में बार एसोसिएशन का मानना है कि वे सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिससे कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी इस 40 साल पुरानी मांग से अवगत हो सकेगा। और जो कांग्रेस आदिवासियों के हितों की बात कर रही है, आदिवासियों के हितों के लिए हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में करने से क्यों पीछे हट रही है, ये बात हाईकमान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि वकीलों का कहना है कि सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है और यही वजह है कि आज
उदयपुर में सभी की नजर है, तो सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है और इसे जन आंदोलन में बदलने की पहले भी कोशिश की गई और आगे एक बार फिर कोशिश की जाएगी कि ये जन आंदोलन में बदले, ताकि ये जो मांग है इसे पूरी करने के लिए सरकार पर दबाव बने। और जब बेणेश्वर में राहुल गांधी जाएंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, तो हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति की जो संभाग स्तरीय समिति है वो भी अपनी मांग वहां पर जाकर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। जी चलिए कपिल, तो अब देखना अहम होगा कि जो वकील प्रदर्शन आज कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उदयपुर में वकीलों का यह प्रदर्शन बार एसोसिएशन के बैनर तले, मांग हाईकोर्ट बेंच की।